हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए। कॉमर्सी पाठशाला का जो प्लेलिस्ट है इग्नू एमकॉम का, उसमें आपको इग्नू एमकॉम के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के वीडियोज मिल जाएंगे। आपको आराम से बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे जिनको देख करके आप बहुत आसानी से स्टडी कर पाओगे। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही तड़कता भड़कता सा एक सवाल था कि इग्नू के एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने को लेकर के। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम सेंटर को चेंज करने को लेकर के परेशान थे, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये ऑप्शन जो है इग्नू के द्वारा अब स्टार्ट कर दिया गया है। इग्नू ने एक लिंक दिया है जिसको आप एक्सेस करके आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है ये। आपको अपने इग्नू के वेबसाइट पे जाना है, राइट? यहाँ पे देखो रेड कलर से लिखा हुआ है लिंक फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर दिसंबर 2021 TEE इज अवेलेबल फ्रॉम 28 से लेकर के 2 जनवरी तक। 2 जनवरी तक आप ये काम कर सकते हो, पर मैं अभी आपको अभी बता दे रहा हूँ, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको कर लो। जिनको भी चेंज कराना है अपना एग्जामिनेशन सेंटर, जल्दी से जाके चेंज करा लो, बिकॉज 2 जनवरी के बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? तो क्या करना है आपको, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपसे एनरोलमेंट नंबर पूछ रहा है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है आप उसको दे दो, है ना? सपोज ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, इसको देने के बाद आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आप सपोज एम कॉम की स्टडी कर रहे हो तो फिर आपको एम कॉम सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे एम कॉम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एम कॉम सेलेक्ट कर लिया। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है ना? जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप उसको सेलेक्ट कर लो, राइट? और यहाँ पे जो कैप्चा जो सिक्योर कोड होता है ना, NQCXU यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पीसी में या फिर आपके मोबाइल में, वो डिफरेंट शो करेगा। तो यहाँ पे आपको वो चीजें क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फिर आपको जो है सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे आपका वेब पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? बट मैं उसके पहले कहना चाहूंगा कि जब भी आप ये काम करो उसके पहले जो यहाँ पे नोट दिया हुआ है इसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विद द सेम सिटी इज नॉट अलाउड। अगर आपको अब सेम सिटी में अगर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि सेम सिटी में अगर आपका एग्जाम पड़ता है, थोड़ा दूरी पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप जा सकते हो, राइट? तो अगर आपकी सिटी अलग है तो ही आप चेंज करा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बोला गया कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर चेंज विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 से 2, जो कि मैंने आपको बताया। चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विद इन इग्नू रीजनल सेंटर जम्मू इज नॉट अलाउड। अब देखो जम्मू के अंदर ये जो आप चेंज है ये अलाउड नहीं है, है ना? तो जम्मू वाले लोग जो है नहीं कर पाएंगे, और ये जो श्रीनगर वाले लोग हैं वो भी इसको नहीं कर पाएंगे। ये दो लोग जो है नहीं कर सकते, दो जगहों के लोग जो है नहीं कर सकते, राइट? यू विल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सेंटर ओनली वंस। आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सिर्फ एक ही बार बदल सकते हो। तो ध्यान पूर्वक अच्छे से अपने स्टडी एग्जाम सेंटर को चेक कर लो कि कहाँ पे आपको एग्जाम देना है, कौन सा आपके घर के नजदीक है, उसको फिर चूज करने के बाद ही आप चेंज करना, क्योंकि आपको एक ही बार मौका मिलेगा, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, है ना? रिक्वेस्ट वंस सबमिटेड विल नॉट बी चेंज्ड फर्दर। ये तो बात बोल ही दी गई है। आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया मतलब आपने चेंज करने के लिए एक एप्लीकेशन डाल दिया, तो उसके बाद फिर और बदलाव नहीं हो सकता। नो अदर मोड ऑफ रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एक्सेप्टेड। सही बात है, ऑनलाइन ही आपको अलाउ किया गया है कि आप चेंज कर लो। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस है। जिनको भी लगता है कि उनको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की जरूरत है, वो करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए कि आप अपने सिटी के अंदर ही आप दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं ले सकते, आपको अपने सिटी के बाहर लेना पड़ेगा, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपको फिर जो है एग्जामिनेशन सेंटर अपना चेंज करके करवा लेना है, ठीक है ना? अगर आप करवाना चाहते हो तो इस वीडियो में यही बताना चाहता था। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इग्नू का जो है जो एडमिशन है वो भी स्टार्ट हो गया है इस वाले सेशन के लिए, जनवरी 2002 सेशन के लिए। तो जिन लोगों को कराना है वो प्लीज करवा लो फटाफट। ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पे बीकॉम और एमकॉम की स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी 2 तारीख से। तो जो भी बच्चे एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अभी तक तो मुझे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, बट अभी तक किसी ने एडमिशन कंफर्म होकर के नहीं लिया है। तो मैं इनकरेज करना चाहूंगा उन सारे लोगों को कि आप काइंडली जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लो, और आप चाहो तो क्लासेस हमारे पास से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।